प्रदेश बीजेपी कार्यालय के सामने कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता भिड़े। पुलिस ने दोनों तरफ से कार्यकर्ताओं को लाठीचार्ज कर खदेड़ा। कर्नाटक में गिरफ्तार हुए कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ विरोध जताने आए थे कांग्रेस कार्यकर्ता। बीजेपी पूरे इलाके में धारा 144 लगाई गई। अभी भी बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। पुलिस ने कांग्रेस और बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। और इस तरह के कृत्य कर रहा है उसको विश्वास मत हासिल करवाओ। जो कर्नाटक में दिग्विजय सिंह कर रहा है वही उसके गुंडे कार्यकर्ता यहाँ आके हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर हमला कर रहे हैं, ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है, हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे और आज ही तत्काल कांग्रेस कार्यालय में जाके इसका बदला लेंगे। यहाँ पर सब लोगों को रोक लिया गया, शायद आप लोग मौजूद होंगे यहाँ बेहतर बता पाएंगे अगर कोई अंदर गया होगा। ऐसी कोई बात होगी आपने भी रिकॉर्डिंग की होगी, हम उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। सर बैरिकेडिंग थी बाहर, पुलिस ने रोका नहीं उनको अंदर आने दिया। कार्यकर्ता बहुत कम थे सर, पुलिस बल ज्यादा था, फिर भी कार्यकर्ता यहाँ तक आ गए। वो जो त्रुटि है उनके विरुद्ध कार्रवाई करें, जो यहाँ तक जिनकी त्रुटि है यहाँ तक आने में उन अधिकारी के विरुद्ध भी कार्रवाई करें। घायल भी हुए, कुछ घायल हुए तो उनका उपचार करेंगे।